रहे हैं। अब खबर भोपाल से है। अगले चार दिन हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। आज रीवा शिवपुरी समेत 8 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। आंधी और गरज चमक का अलर्ट भी जारी किया गया है। भोपाल की अगर बात की जाए तो भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर समेत प्रदेश के अन्य जिलों में भी धूप छांव, बूंदाबांदी का दौर रहेगा, यानी कि कुल मिलाकर मौसम सुहावना रहने वाला है। आज रीवा शिवपुरी समेत 8 जिलों में अलर्ट लेकिन जारी किया गया है। आंधी और गरज चमक का अलर्ट जारी किया गया है। खबर रायपुर से है। आज उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। रायपुर सहित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होगा तरबतर। पूरे प्रदेश में तापमान 36 डिग्री से नीचे पहुंचा। कुछ स्थानों पर उमस और भारी गर्मी भी देखी गई। आज प्रदेश में कई जगहों में तेज वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। तो आज उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश में अगले चार दिन हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं। और रायपुर से हमारे साथ नितिन नामदेव लगातार बने हुए हैं। साथ ही भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी शिखिल व्यवहार भी जुड़ चुके हैं। नितिन का पहले रुख कर लेते हैं और जान लेते हैं। नितिन, अगले 8 दिनों तक झमाझम बारिश, येलो अलर्ट जारी किया गया है छत्तीसगढ़ में, क्या हालात है, क्या तस्वीरें हैं? देखिए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जो कि बारिश हल्की बूंदाबांदी लगातार जारी है, लेकिन कई ऐसे जगह हैं जहां पर तेज़ बारिश भी देखने को मिल रही है। बात करें अगर हम बस्तर संभाग की, सरगुजा संभाग की, तो ऐसे आउटर इलाके हैं जहां पर लगातार बारिश भी होती है और थोड़े टाइम के लिए बारिश रुकती भी नज़र आ रही है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में आज कई जगह अलर्ट है। लगभग 8 जगहों पर तेज़ बारिश होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। सुबह ही राजधानी रायपुर में बारिश हुई है लगातार। कुछ कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई है तो कुछ जगहों पर तेज़ बारिश हुई है। जो बांध सूखे पड़े हैं, हो सकता है कि तेज़ बारिश हो जिससे बांध जो है भरते हुए नजर आए, नदियां उफान पर चलती हुई नजर आए, और किसान जो काफ़ी चिंतित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, तो वो उनकी चिंता दूर हो, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में मानसून तो बताया जा रहा है कि टाइम पर प्रवेश हुआ, लेकिन जो बारिश की स्थिति है वो फिलहाल ऐसी दिखाई नहीं दे रही है। बारिश जो है रुक रुक कर गिर रही है। कई जगहों पर बारिश हो रही है तो कई जगहों पर उमस और गर्मी की भी स्थिति देखी गई है। पूरे प्रदेश में जो है तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा चुका है। यही 15 दिन पहले की बात की जाए तो 15 दिन पहले छत्तीसगढ़ में जो है अलग अलग तरीके से गर्मी होती थी, चाहे 38 डिग्री सेल्सियस, 40, 42 तक डिग्री सेल्सियस तक गर्मी देखी जाती थी, लेकिन 15 दिन के बाद जो है बाद लगातार जो है तापमान में जो है बदलाव हुए हैं। अलग अलग जगहों पर पानी भी गिर रहे हैं। पूरे प्रदेश की स्थिति सामान्य फिर फिलहाल इन दिनों बताई जा रही है। फिलहाल जो स्थिति होती है कि जल भराव और जैसे अलग अलग तरीके के जो वातावरण में बदलाव होता है, फिलहाल वो स्थिति नहीं है। अभी बारिश अच्छे तरीके से छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिले। फिलहाल छत्तीसगढ़ में आज बारिश होने की संभावना है और तेज बारिश होने की संभावना है जताई गई है। जी बिल्कुल नितिन, शिखिल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिखिल, क्योंकि भोपाल में बूंदाबांदी, और कहा जाता है कि जब बूंदाबांदी होती है तो उमस से लोग खासा परेशान हो जाते हैं, उमस यहां पर ज्यादा बढ़ जाती है, क्या स्थिति है वहां पर, क्योंकि धूप छांव का आलम भी वहां देखा जा रहा है? देखिए, अगर भोपाल की बातचीत की जाए तो इसमें दो मत नहीं कि यहाँ उमस का माहौल है, लेकिन जो मौसम है वो खुशनुमा है। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम बातचीत करते हैं तो मध्य प्रदेश में जो सिस्टम है वो अभी हल्का हो चला है और 15 से 16 जुलाई के बीच फिर झमाझम बारिश के आसार है। मौसम पहले आपको दिखाता हूँ, ये राजधानी भोपाल का मौसम है, और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि जिस प्रकार से जो फिलहाल मौसम केंद्र की जो जानकारी यहाँ पर आ रही है उसमें यही बताया गया है कि अभी फिलहाल 4 दिन जो सिस्टम है वो थोड़ा सा नाजुक है, वो रहेगा। और इतना ही नहीं बल्कि अगर 9 जिलों को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो उसमें भारी बारिश की जो है संभावना भी जताई गई है। जिसमें हम बातचीत करें तो शिवपुरी, अशोकनगर, पन्ना, सतना, रीवा, मैयर, सागर और बैतूल, ये वो जिले हैं जहाँ पर तेज जो है बारिश हो सकती है। लेकिन वहीं अगर मध्य प्रदेश के बड़े शहरों की बातचीत करते हैं, जिसमें हम देखें राजधानी भोपाल की बातचीत की जाए, ग्वालियर की बातचीत की जाए, जबलपुर, इंदौर की बातचीत की जाए, साथ ही साथ उज्जैन की बातचीत की जाए, तो ये वो जिले हैं जहाँ फिलहाल हल्की बूंदाबांदी होगी। लेकिन जो मौसम आप जिस प्रकार से सुहाना देख रहे हैं, कुछ इसी प्रकार का सुहाना मौसम जो है वो मध्य प्रदेश में बना हुआ है। कुछ यूं जरूर कहा जा सकता है कि गर्मी से तो राहत है लेकिन उमस से राहत नहीं है, और जब तक तेज बारिश जो है वो नहीं होगी, कुछ इसी प्रकार का जो मौसम है वो दिखाई देगा। गर्मी से राहत है, मौसम सुहावना है, लेकिन उमस से लोगों को अभी भी परेशानियां हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शिखिल, नितिन आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।